गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ फटाफट से, आ जाइए लाइव, आ जाओ। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही? एक बार फटाफट से कंफर्म कर दीजिए जी। गुड इवनिंग मानसी, चंदन, दयानंद, बिट्टू अंसारी जी, वेलकम आप सभी का। वैसे तो सब जो जानते ही, लेकिन फिर भी आई एम जोगिंदर सिंह शेखावत, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फोर्थ लेक्चर है। सुनील कुमार, क्या कब दर्शन होंगे आपके? रोज आते हैं ना शाम को 7 बजे लाइव बेटा, रोज शाम को 7 बजे पढ़ रहे हैं साथ में सुनील। किस सेंटर के स्टूडेंट हो बेटा? चलिए शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने देखा कल के वीडियो में, एक क्वेश्चन पर किसी ने ऑब्जेक्शन मार्क किया है। मैंने कहा ना आपको, जहां लगे वहां पे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर जो है उसे टू फेज क्यों नहीं कहेंगे। देखो अगर इसको ऐसे टू फेज कहें, अपन टू फेज इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि टू फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। और दूसरी चीज ये भी कह सकता हूँ कि टू फेज इंडक्शन मोटर के लिए परमानेंट एग्जिस्टेंस जो है उस कैटेगरी में रखा जाए, तो फिर स्प्लिट फेज भी वही हो जाएगा। इस वजह से उस कैटेगरी को उसमें एनर्जाइज मानते हुए अपन ने उस पर नहीं रखा है। परमानेंट कंस्ट्रक्शन पर अगर अपन कहें तो बोला जा सकता है, फिर स्प्लिट फेज को भी, कैपेसिटर रन मोटर को भी, इन सबको ही कह सकते हैं, बट दे ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इस वजह से अपन ने उसे नहीं कहा, ठीक है। चलिए, मैकेनिकल की क्लास का टाइमिंग क्या है? सुनील कुमार ओके, प्रयागराज जी सुनील बिल्कुल जल्दी होंगे। अभी आप सुमित सर से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। बिल्कुल, जो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पूरा देखने के बाद, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, आपके लिए बेनिफिशियल लगता है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास को स्टार्ट करें। कल अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। ऑन एवरेज थोड़े और ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, किसी दिन कोई न्यूमेरिकल, अभी जेई सीरीज के क्वेश्चंस थोड़े और बचे हैं, उसके बाद सीनियर सेक्शन के भी शुरू हो जाएंगे इसी कंटिन्यूएशन में, ठीक है। चलिए आगे सभी लोग करें स्टार्ट, बहुत हो गया इतनी देर। मैं भी प्रयाग से, ऋषभ बिल्कुल प्रयागराज से, प्रयागराज वाले तो ताजा ताजा मशीन पढ़ के आए हो, अभी फटाफट से आंसर दीजिए करें। इज इट बेनिफिशियल फॉर एसएससी जेई? वक्त यूं बेकार न कर, अरे वाह वाह वाह, बेनिफिशियल फॉर जेएससी। रंजन कुमार बिल्कुल, जेडब्ल्यूएससी जेई के लिए ये बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अपन मोस्टली यहाँ पे देख रहे हैं वन लाइनर्स हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं जेडब्ल्यूएससी जेई में, बेसिक इंजीनियरिंग में भी, और आपकी इलेक्ट्रिकल कोर, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से तो कोर पेपर में भी। और जेएससी आपने याद दिलाया, कल 7 से 8 आपकी यही क्लास है आरआरबी, इसके ठीक बाद केवल आपको लिंक चेंज करना और कहीं नहीं जाना है। कल हम नेटवर्क का मैराथन करेंगे जेडब्ल्यूएससी जेई की वैकेंसी के लिए, एक तरह से आप उसे आरआरबी के लिए भी बेनिफिशियल बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बेसिक 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 पूरा नेटवर्क गो थ्रू करेंगे अपन 2-3 घंटे के अंदर, ठीक है। सर पटना कब आएंगे? चंदन कुमार बेटा जहां शेड्यूल लगेगा वहां जल्दी ही आएंगे, अभी आप लाइव पढ़िए और इस आरआरबी की सीरीज को एंजॉय करिए। चलिए बिल्कुल DSSB बिल्कुल सिविल ब्रांच है रंजन, सिविल अगर है, कल थ्योरी होगा, थ्योरी प्लस क्वेश्चन सीरीज, कुछ क्वेश्चंस प्लस बेसिकली पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी का एनालिसिस अपन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते अगला क्वेश्चन देखिए, कल हमने 53 तक कर लिए थे, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जरा बताइए 54 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। A transformer is working at its maximum efficiency. Its iron losses is 1 kilowatt, यानी 1000 volt. Then its copper losses will be. इसके copper losses क्या हो जाएंगे? Sir, question होगा या theory? दोनों चीजें mix करेंगे बेटा, दोनों ही mixup. चलिए फटाफट से आंसर दें। कितने आसान क्वेश्चन आते हैं आप इससे जज कर सकते हैं। जस्ट आरआरबी की 14 के बाद 15 में थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, उसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चन आए, देखिएगा आप अभी। हाँ भाई, क्या आंसर होगा? हम जानते किसी ट्रांसफॉर्मर के लिए वर्किंग एफिशिएंसी याद है ना सबको, क्या फॉर्मूला यूज करते थे? नीटा हमेशा अपन लिखते थे, दैट इज एक्स डब्ल्यू कॉस फाई अपॉन एक्स डब्ल्यू इनटू कॉस फाई प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डब्ल्यू सी यू प्लस डब्ल्यू आई, यही था।
अब ये कोई भी x टाइम्स लोड पर इफिशियंसी का फॉर्मूला है, जब हम इस इफिशियंसी के फॉर्मूले को डी नीटा बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करते हैं तो फाइनली अपने पास रिजल्ट आता है दैट इज x स्क्वायर टाइम्स ऑफ डब्ल्यू सी यू इक्वल्स टू डब्ल्यू आई। यानी किसी भी वर्किंग इफिशियंसी पे जब अपन जब किसी भी वर्किंग लोड पे मैक्सिमम की सिचुएशन होगी उस समय वो वेरिएबल कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के बराबर हो जाएंगे। तो इसने दे रखा है कि अगर इसके आयरन लॉसेस 1 किलोवाट हैं तो आप कहेंगे मैक्सिमम की कंडीशन पर ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा। अगर वो पूछ रहा है कि कॉपर लॉसेस क्या होंगे तो आप कहेंगे सेम हो जाएंगे, कॉपर लॉसेस की वैल्यू बिल्कुल वही होगी जो इसने पूछा है, तो अपना जवाब क्या हो गया, आप कहेंगे डी, दिस इज 1 किलोवाट। क्लियर? बिल्कुल बेटा, वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको अपना डाउट भेजा था, आपने रेस्पॉन्स नहीं किया। डाउट आपने शिव एक मैसेज जरूर किया था, अगर मैंने नहीं देखा तो मैं देख लूंगा उसको। आपने शायद एक टेलीग्राम ग्रुप को लेके कुछ कहा था, टेलीग्राम ग्रुप अपने इंजीनियर्स एकेडमी का भी है, उस पर भी आप उस चीज को शेयर कर सकते हैं आरआरबी रिलेटेड क्वेरीज को, वरना आप मुझे भी पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपके आपके उस चैनल को आपने जो बनाया है अपने दोस्तों के साथ, मैं स्प्रेड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो वो सिंपल लगते हैं जब हमें एग्जाम होता है तो कहां से ऐसा ये देखिए वो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीजिए। इन ए ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल। आठ से नेटवर्क का क्लास आप लीजिएगा। बिल्कुल प्रयागराज, कब आएंगे सर? बिल्कुल जल्दी आएंगे ऋषभ, जल्दी ही आएंगे, जब भी शेड्यूल लगेगा तब प्रयागराज आएंगे। अभी मशीन पढ़ा के आए हूं, नेटवर्क पढ़ाने के लिए आऊंगा। चलिए अब बात करते हैं यहां से आगे कि ट्रांसफॉर्मर में आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, इसका जवाब बताइए। कल नेटवर्क का बिल्कुल 8 बजे मैं ही आपकी क्लास लूंगा, 8 से 10, 10:30 जब तक भी अपन उसको कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ जी बताइए, क्या लिखा है इसने? थ्रू एयर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इंसुलेटिंग मीडियम और बाई मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको पता है ट्रांसफॉर्मर जो है वो किस पे वर्क करता है? आप कहेंगे सिंपली, अगर आप ध्यान दें तो ये वर्क करता है दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है तो उसका मोड क्या है, किस पर बेस्ड? अगर कभी कोई पूछे तो आप कहेंगे सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये किस पर बेस्ड है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन है। प्राइमरी सर्किट में और सेकेंडरी सर्किट में इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर होता है। सो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपन कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इंसुलेटिंग मीडियम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज के भी हाफ पे अपन जनरेट करते हैं थ्रू एयर। एयर एक परफेक्ट डायलेक्ट्रिक की तरह यूज होता है, और आप कह सकते हैं एयर गैप तो एक बेकार मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल भी बोला जाता है। हाँ, नेटवर्क का मैराथन कल होगा बेटा, कल नेटवर्क का मैराथन होगा जिसमें 8 बजे से आपकी क्लास में लूंगा, इसके आगे जस्ट इस क्लास के आगे कंटिन्यू करेंगे उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न बताइए, अगेन आरआरबी में बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। बताइए विच पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हीटिंग। ट्रांसफॉर्मर का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग को जस्टिफाई करता है? बताइएगा। फ्रेम, ट्रांसफॉर्मर का जो फ्रेम है, कोर है, ऑयल है और वाइंडिंग है, कौन सा कंपोनेंट? सर कल मशीन नहीं होगा चंदन कुमार बेटा, मशीन होगा 7 से 8, सेम क्लास होगा, यही टाइम, यही सब कुछ। इसके बाद 8 बजे से आगे नेटवर्क का मैराथन होगा। क्लियर? अब समझ में आ गया बेटा? चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या है? फ्रेम नहीं, योग की बात कर रहा है एक तरह से, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, कोर हीटिंग का पार्ट जरूर है, कोर में भी हीटिंग होता है, ऑयल भी हीटअप होता है, बट इन सबका सोर्स कौन है? मैक्सिमम स्ट्रेस कहां होता है? वाइंडिंग्स के साथ। किसके साथ होता है? वाइंडिंग, क्योंकि यहां पर क्या डेवलप होते हैं? आप कहेंगे कॉपर लॉसेस, जो किस पर बेस्ड है? एक तरह से आप कहेंगे आई स्क्वायर आर हीटिंग जो है ये अपने पास यहाँ वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से आपका हीटिंग डिसिपेट करता है वाइंडिंग्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, बताइए द आउटपुट पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिक मोटर इज टेकन फ्रॉम। बड़े एकदम मैंने कहा ना वन लाइनर, नेटवर्क का मैराथन सफिशियंट होगा। हाँ बेटा, नेटवर्क का मैराथन सफिशियंट होगा, हालांकि उसे ऑल टाइम कनेक्टेड विद लोड। ओके, क्या पूछ रहे हैं? जयपुर में कब
आओगे मशीन के लिए महावीर नगर जयपुर। अभी जयपुर से ही लाइव हूँ बेटा, मैं जयपुर से ही लाइव हूँ। साउंड नहीं आ रहा है, अनुराधा कह रहे हैं साउंड नहीं है। बताइए भी एक बार फटाफट से, क्या सबको क्लियर है, क्या वॉइस क्लियर है बेटा सबके लिए, बताइए एक बार। चलिए आंसर दीजिए, क्या कहेंगे? आउटपुट पावर, एक मोटर के लिए अगर आउटपुट पावर की बात करें तो क्या है, मैकेनिकल इनपुट या इलेक्ट्रिकल इनपुट? इलेक्ट्रिकल। एक मोटर के लिए अगर अपन कहें तो मोटर की अगर बात करते हैं तो मोटर को हमने दिया क्या, दिया इलेक्ट्रिकल इनपुट। और इस इलेक्ट्रिकल इनपुट को ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन के बिहाफ पे ट्रांसफर करता है किसमें, आर्मेचर सर्किट में। आर्मेचर रोटेट करता है और उस पावर को फिर शिफ्ट करके ट्रांसफर करता है कहां पे, कहां डिलीवर करता है, शाफ्ट पर। तो फाइनली अपन कह सकते हैं इससे जो आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलता है वो ये कहां डिलीवर करता है, विद द गेटवे ऑफ आर्मेचर। ये फाइनली अपन कह सकते हैं हमें शाफ्ट पे डिलीवर करेगा, और शाफ्ट पे डिलीवर करेगा तो अपन कह सकते हैं कपलिंग माउंटेड ऑन शाफ्ट कम्यूटेटर फ्रेम। कम्यूटेटर भी रोटेटिंग पार्ट है, फ्रेम नहीं, आर्मेचर के थ्रू। आर्मेचर के थ्रू अपन कहां पे, शाफ्ट पर जो माउंटेड कपलिंग पार्ट है, मैकेनिकल आउटपुट जहां से लिया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी आर्मेचर। अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो अपन कह सकते थे कि आर्मेचर के थ्रू आउटपुट आपका ट्रांसफर होता है। ठीक, एक बार चेक कर लीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पॉलिटी की क्लास क्यों नहीं सर? ओके, चले चले चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 59, ये क्वेश्चन तो इतना पुराना कर दिया पेपर में पूछ पूछ के कि हर जगह ही आता है। बताइए द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग, आपसे पूछ रहा है आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर एप्लीकेशन के तौर पे यूज होता है, बताइएगा। आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर का यूज किया जाता है। आज हम छोटे छोटे क्वेश्चन है तो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, स्पीड से चलते हैं थोड़ा। सीरीज, शंट, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल, इन चारों की प्रॉपर्टी पता है ना। इन चारों का अगर मैं आपसे प्रॉपर्टी पूछूं टर्मिनल वोल्टेज के बिहाफ पे, तो ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम लोड वेरिएशन करते हैं, लोड चेंज करते हैं, तो कोई भी जनरेटर के बिहाफ पे उसके ड्रॉप्स अगर इंक्रीज करेंगे, अगर ड्रॉप इंक्रीज करेंगे तो अपन कहते हैं ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ओके, बट अगर मैं कहूं कि वेल्डिंग की बात करूं, आर्क वेल्डिंग में हमें इंस्टेंट वोल्टेज ड्रॉपिंग अगर मिल जाए, अगर मैं कहूं एकदम फास्ट डिक्रीजिंग ऑफ वोल्टेज अगर हो, अगर एकदम हैवी रेट से डिक्रीज कर जाए, उतना ही आप कहेंगे शॉर्ट सर्किट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और वेल्डिंग का प्रोसेस जो है वो और सूटेबली हो जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि भाई इस मशीन में, किस मशीन में वो फास्ट सर्किट आई शॉर्ट सर्किट करंट मिलता है, फास्ट ड्रॉपिंग होता है, तो अपन कहेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड में होता है। कारण सीरीज में तो अपन सिंपली जानते हैं फाइ एसी, इसके तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, राइजिंग नेचर के होते हैं। हाँ, शंट में अगर अपन कहें इसका अकेले का फ्लक्स है फाइ एसी, जो ऑलमोस्ट अपन कहते हैं बदलने नहीं देता, कॉन्स्टेंट है। लोड वेरिएशन पे भी इनका वोल्टेज जो है वो बिल्कुल, इनका वोल्टेज रिड्यूस जरूर होगा, लेकिन आप कहेंगे लेकिन स्लाइटली रिड्यूस होगा, बहुत कम चेंज आता है। क्यूमुलेटिव जो है और डिफरेंशियल जो है, इनकी बात करें तो यहां पर आप कहते हैं फाइ एस एच प्लस फाइ एस ई है, और यहां पर अगर मैं कहूं तो फाइ एस एच माइनस फाइ एस ई है, और टर्मिनल वोल्टेज प्रपोर्शनल ई एम एफ प्रपोर्शनल आप कह सकते हैं फाइ है। तो बताइए डिफरेंशियल कंपाउंड में अगर हम लोड इंक्रीज करते हैं तो ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा दोनों में, अगर लोड इंक्रीज करते हैं तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, तो बताइए अगर इन दोनों के बिहाफ में फ्लक्स आपसे पूछूं, इसका तो क्यूमुलेटिव फ्लक्स बढ़ रहा है और इसका क्यूमुलेटिव फ्लक्स घट रहा है, तो बताइए डिफरेंशियल में ये फाई क्या होता है, रिड्यूस। और वोल्टेज ड्रॉप बाकी भी है, उनकी वजह से भी ड्रॉप होगा, तो एक फास्ट ड्रॉपिंग इसमें मिलता है आप कह सकते हैं इस जनरेटर में। सो फास्ट ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे ही हम ऐसा बोलते हैं कि इस डिफरेंशियल कंपाउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, पढ़े होंगे आपने इस तरह से, अगर मैं डिफरेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं कि भाई वी आई लोड के साथ कैसे चेंज करेगा, तो बाकी सब जनरेटर के बिहाफ पे ये बहुत ही सडन फास्ट ड्रॉपिंग दिखाता है और इस शॉर्ट सर्किट यानी वी इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट को अचीव करता है। तो आप कह सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक सबसे अलग है, फास्ट ड्रॉपिंग है। जितना इसमें हम लोड इंक्रीज करते हैं उतना ही टर्मिनल वोल्टेज बहुत फास्टली डिक्रीज करता है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं इस इंस्टेंट में शॉर्ट सर्किट करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। सो सूटेबल आंसर कौन सा हुआ बेटा, आप कहेंगे डी डिफरेंशियल कंपाउंड, ज्यादा भूमिका करंट का होता है, नॉट डैमेज ऑन द शॉर्ट सर्किट। सो हाँ बिल्कुल ये भी है, करंट डिग्री करंट का भूमिका इसलिए ना क्योंकि सरफेस पे हीटिंग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, उसमें सरफेस पे हीटिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग है, बाकी सडन डिक्रीज। और इसमें वी इक्वल टू जीरो पर ये डैमेज नहीं होता, ये भी इसकी खास बात है, वो इसके कंपाउंडिंग इसे सपोर्ट करती है इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न बताइए 60th क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ये तो बहुत ही बिल्कुल मतलब बिना मतलब का क्वेश्चन है, देखिए आरआरबी ने बना दिया है, देखिएगा।
बाकी कोई सेंस नहीं इस प्रश्न का, बताइए। मैंने डायनमो, डायनमो इटसेल्फ अपन डीसी जनरेटर को कहते हैं, तो ये कहना चाह रहा है अगर एक डायनमो को कन्वर्ट कर दें, अगर आप उसके ऑपरेशन को चेंज कर दें, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहना चाह रहा है, अगर एक डायनमो आपके इलेक्ट्रिकल तो इनपुट ले और कन्वर्ट करके क्या दे, मैकेनिकल आपको आउटपुट जनरेट करके दे, तो किसकी तरह काम करेगा? तो सिंपल सी बात है, वो क्या बन जाएगा, आप कहेंगे एज ए यूटिलाइज कर रहे हैं, सो इट वर्क्स एज मोटर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप देख रहे हैं आरआरबी में बेसिक क्वेश्चन जबरदस्ती के ऑप्शन बना के एक लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन ही ये पूछता है, तो प्रीवियस क्वेश्चन से यही आइडिया लगता है कि पेपर कैसा मॉडरेट। हालांकि इससे लेवल अपग्रेड किया था लास्ट ईयर की वैकेंसी में, लास्ट टू लास्ट ईयर में, लेकिन अभी अपन कह सकते हैं ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत टाइम दे रहे हैं, प्लीज थोड़ा स्पीड से। विशाल पवार, देखिए मैं तो उसी कॉन्सेप्ट बेसिस क्लास है, तो जितनी बातें हैं अब केवल अगर मुझे यही करना हो, इसका बी होगा, इसका डी होगा, सभी सबके लिए विशाल सबके लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है, मैंने सबके कॉरेस्पॉन्डिंग ताकि रिविजन भी हो जाए उस कॉन्सेप्ट, इसीलिए अपन ऐसे बात करें, और कुछ नहीं है। बाकी तो मैं फटाफट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बताइए, 61 आंसर दीजिएगा। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर ऑन लोडिंग, लोड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहते हैं किसी शंट जनरेटर की, इस चीज को अपन अगर कहें तो बताइए, ताकि साथ साथ कॉन्सेप्ट की बातें भी रिवाइज होती रही, रिविजन सेंस पे अपन इस चीज को पढ़ रहे, और कुछ नहीं। क्वालिटी दीजिए सर, क्वांटिटी नहीं, मेरा फोकस तो उसी पे बेटा हमेशा होता है। चलिए देखिए, आप लोग फटाफट से लाइक शेयर कर दो इसको, नहीं तो प्राइवेट करना शुरू कर देंगे, फिर मुझे मत कहिएगा। चलिए देखिए, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर ऑन लोडिंग, लोड कैरेक्टरिस्टिक पर टर्मिनल वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ता है, किस तरह से चेंज करता है। हमने पढ़ा था कि लोड के साथ वोल्टेज कैसे बदले, अभी भी बात की थी, शंट के कैरेक्टरिस्टिक याद है ना, अगर हम कहते हैं एट नो लोड, शंट जनरेटर की बात करें एट नो लोड, तो नो लोड पर इसका टर्मिनल वोल्टेज जो है, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, ई मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद जैसे जैसे अपन लोड इंक्रीज करते हैं, लोड इंक्रीज करने पर आप कहेंगे एक तो ओमिक ड्रॉप है आई ए आर ए, वो इंक्रीज होंगे, एक अपन कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हालांकि टर्मिनल वोल्टेज घटता है लेकिन शंट अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फाई को मेंटेन रखता है, और वो बहुत स्मॉल चेंज करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका इफेक्टिवली आपका आर्मेचर में कमी है, तो आप कहेंगे एट कॉन्स्टेंट लोड इट विल प्रोवाइड कॉन्स्टेंट टर्मिनल वोल्टेज, बट अगर हम लोड इंक्रीज करते हैं तो स्लाइटली उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, हालांकि ये ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक देता है। इसीलिए देखिए अगर आप यहां पे देखें तो रिमेन कांस्टेंट भी दिख रहा है और कम वाला भी दिख रहा है, जब कभी भी दोनों ऑप्शन आए तो अपन करेक्ट कौन सा करेंगे, आप कहेंगे स्लाइटली डिक्रीज करता है, क्योंकि ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक तो है ही ना बेटा इसके, इसलिए तो आप कह सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अगर आपको ग्राफ याद हो तो हमेशा अपन जब इसके कैरेक्टरिस्टिक बनाते थे तो ऐसे बनाते, नो लोड पर वी आई कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो यहां से ग्राफ शुरू होगा, ये लाइन तो कॉन्स्टेंट, इसके बाद हमेशा ड्रॉपिंग होता है शंट में, तो याद करो हम दो कैरेक्टर से प्लॉट करते थे, एक आप कहते थे ऐसे और एक और ड्रॉपिंग जो बनाते थे उसमें, बताओ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर सीख देना, तो आप कहेंगे इस तरह से ये ड्रॉपिंग पे लूज करता है, यहां से इसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है लेकिन शुरुआत में बहुत स्लाइटली रिड्यूस करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल वहां फास्ट डिक्रीज करता है। सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, लक्ष्मण कहां पे ऑफलाइन, ऑफलाइन सब जगह चल तो रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट चलिए आंसर दीजिएगा, 62 द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, हाँ इसका आंसर बताइए, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट से पढ़ा है तो जरूर आंसर देंगे। चलिए द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्वड इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज, ट्रांसफॉर्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन है, समीकरण है, उसमें जो आपका फ्लक्स होता है फाई जो इक्वेशन में लिखा जाता है वो कौन सा होता है, अगर याद नहीं है इक्वेशन तो मैं लिख देता हूँ, क्या इक्वेशन था, E equal to 4.44 F phi N, यही था ना, पढ़ा है सबने। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंजीनियर्स एकेडमी में, लक्ष्मण कहाँ पे बोल रहे हो आप, जयपुर सेंटर पे, किस सेंटर की बात कर रहे हैं लक्ष्मण, जयपुर पे, चलिए बताइए तो क्या आंसर होगा इसका, कौन सा फ्लक्स इन्वॉल्व करते हैं इसमें, चलिए अब बताइए, इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम एवरेज और आरएमएस, अब यहां पे क्या आंसर आ रहे हैं, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा पटना सेंटर,
ओके ओके ओके, चलिए आप बताइए क्या आंसर होगा। कर दिया बेटा, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया गया है। चलिए आप देखिएगा, अब अगर मैं पूछूं कि यहां पर ये फ्लक्स कौन सा, तो जरा याद करो अपना ईएमएफ इक्वेशन कहां से अपन लिखते थे। इज इक्वल टू क्या होता था, एन डी फाई अपॉन डी टी, दिस इज सिंपली डी साई अपॉन डी टी लिखते थे अपन, जो लिंक फ्लक्स में चेंज करते थे, या माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, याद करो डी फाई अपॉन डी टी। और ये जो फाई यहाँ पे होता था, ये आपका ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है, यानी आप जानते हैं माइनस एन डी बाई डी टी, और इस फाई को अपन लिखते थे दिस फाई इज फाई एम साइन ओमेगा टी, जो आपका ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है। तो जिस इस फ्लक्स इक्वेशन को जब पूरा सॉल्व करते थे तो ये क्या निकल के आता था, इस चीज को जब सॉल्व करते थे तो यहाँ पर ये फाई एम ही तो आएगा, तो ये जो ईएमएफ यहाँ से मिलता है अपने को वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बताइए, मैक्सिमम फ्लक्स। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, बी। सर एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, आरआरबी सीनियर सेक्शन इनका अदर का भी सिलेबस होता है। अभी तक जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें था, उसके बाद आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर लास्ट एग्जामिनेशन में ड्रॉप कर दिया गया था, केवल जेई का पेपर हुआ था, पहले कंबाइंड पेपर होता था। जब तक वो नया रिवील नहीं करते तब तक ये सब कहने की बातें हैं। अगर फिर भी कहें, अगर उसी पैटर्न पे जाएं, तो एक जनरल इंजीनियरिंग का कॉमन पेपर वो रख सकते हैं, जैसा कि अभी कई एग्जामिनेशन में रखा गया है, जेडब्ल्यूएससी में इससे पहले भी आप देखे हैं, उसमें भी आपके था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। 63 फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर आयरन लॉस इज इक्वल टू, रिपीट कर गया बेटा ये तो, रिपीट कर गया, सीधा आंसर बताते हैं। मैक्सिमम की कंडीशन में ये पूछ रहा क्या होगा, कॉपर लॉसेस के बराबर होगा, छोड़िए एनएचपीसी में था, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे जितना पढ़ाया एकदम सॉलिड याद हो गया, अब तो बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए, और वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके सिलेक्शन में, आपके क्वेश्चन पेपर में भी। आंसर दीजिए, द जनरेटर विच गिव्स डीसी सप्लाई टू द रोटर इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा आज वन लाइनर से क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। द जनरेटर विच गिव्स डीसी सप्लाई टू द रोटर, टू द रोटर इसका मतलब रोटर के एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, और वो एक्साइटेशन के लिए अपन क्या कंपोनेंट यूज करते हैं, एक्साइटर। एक सिंक्रोनस मशीन में चार बेसिक कंपोनेंट होते हैं, योक, स्टेटर, रोटर और एक्साइटर। इसके डीसी को डीसी फील्ड से हम इसे एक्साइट करते हैं, और एक्साइटर जो होता है, और जो एक्साइटर जो होता है अगर अपन बात करें तो एक्साइटर वो है जो एक कॉन्स्टेंट, आप कहेंगे जो एक कॉन्स्टेंट डीसी आउटपुट प्रोवाइड करे, और इसके लिए अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डीसी आप जानते हैं शंट जनरेटर का यूज किया जाता है, एक डीसी शंट जनरेटर का यूज किया जाता है, बिल्कुल उत्तेजक जिसकी बात करें। फर्स्ट पेपर में टेक्निकल भी आता है क्या, फर्स्ट पेपर में बेटा नहीं आता है, लास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तक अपन कह सकते हैं। सीबीटी वन में कोई टेक्निकल नहीं आता, सीबीटी टू आपका कोर पेपर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बताइएगा आंसर। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द डायमेंशन, आंसर दीजिएगा फटाफट से, बीच में एक नया क्वेश्चन उठा के लाए मैग्नेटिक सर्किट से, बताइए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द डायमेंशन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आयाम क्या है, डायमेंशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट अलग डायमेंशन अलग, डायमेंशन की बात करें तो किसमें पूछ रहा है आपसे, डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, यानी ये आपसे एक तरह से आयाम या विमा की बात कर रहा है, किसमें देना है, एमएलटी सिस्टम में आपको आंसर देना है। बोलिए क्या आंसर होगा। डीसी देने की प्रोसेस एक्साइटेशन, हाँ बिल्कुल वही, एक्साइटेशन का मतलब ही क्या है, उसके फील्ड को क्या करना, फील्ड में फ्लक्स जनरेट करना, दैट मींस एक्साइटेशन। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द डायमेंशन, इस बार गप्पे लग रहे हैं, सी डी बी कई आंसर आ रहे हैं, बोलिए क्या जवाब होगा इसका, फटाफट से बताइए। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, थोड़ा सा समय लीजिए, सही आंसर बताइए। डायमेंशन में हमेशा पढ़ाता हूं बेसिक्स के समय, इसीलिए पहले तो ये है क्या, सिंबल बताओ, ये इंटेंसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल क्या है, ये है H बेटा, क्या है H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, देखो इंटेंसिटी भी दो तरह की होती है, ये भी हमेशा अपन मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हैं, एक आपने आई भी पढ़ा है और दूसरा एच भी बात करते हैं। एक होता है इंटेंसिटी रिगार्डिंग मैग्नेटिक मटीरियल, और दूसरा कहलाता है फील्ड की। तो फील्ड की इंटेंसिटी के लिए तो अपन एच यूज करते हैं, और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मटीरियल बेसिस पे आई यूज करते हैं, और इन्हीं के रेशो के बिहाव पे अपन एक ससेप्टेबिलिटी वगैरह डिफाइन किया था, वो सब मैग्नेटिक सर्किट में अपन पढ़ते हैं। यहां पर ये एच पूछना चाह रहा है, तो आप क्या कहेंगे, एच, एच के, एच किसके बराबर होगा बोलो, एच का फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, पता नहीं सर, तुक्का लगाने का मन नहीं करता,
चलिए H याद करिए, H H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। H जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? नहीं याद आता कोई बात नहीं, मैंने हमेशा एनालॉगस पढ़ाया है। पहले मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट, H के एनालॉगस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए फटाफट से, बताइए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है? फटाफट से बताइए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसके एनालॉगस कंपोनेंट कौन सा होगा? इसके एनालॉगस कंपोनेंट कौन सा होगा? आंसर करेक्ट दे देंगे अभी अपन, थोड़ा सा वेट करो। क्या होता है वहां पे? होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने याद रखना सिखाया हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या बन जाएगा? आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड और इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसे अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और याद करिए मैंने हमेशा कहा है वोल्ट पर मीटर। किस में रिप्रेजेंट करते हैं इसको? वोल्ट पर मीटर, यही था ना। वोल्ट है तो मतलब वोल्ट की जगह क्या आ गया? ईएमएफ। और पर मीटर मतलब क्या आ गया? लेंथ। तो बताइए ईएमएफ के एनालॉगस यहां कौन है? एमएमएफ। और लेंथ के एनालॉगस कौन है? एल। एमएमएफ किस में लिखा जाता है बोलो? एमएमएफ किस में होता है? एन इंटू आई। और ये क्या हो गया? एल। अब एच की डायमेंशन निकालनी है, बताओ एच की डायमेंशन। नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो इसका तो मतलब नहीं है। आई एम्पियर, सिंपल आई के लिए अपन वैसे ए लिखते हैं, लेकिन ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी नहीं है, तो अपन सीधा आई मान लेते हैं। आई के लिए मैंने आई लिख दिया, आई वन। और ये क्या दिख रहा है? पर मीटर, तो ऊपर ले जाइए, दिस इज सिंपली एल माइनस वन। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलिए? सी इज द करेक्ट आंसर। कहीं ने डी आंसर दिया है, सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही आंसर होगा? सी। समझ गए? तो थोड़ा सा घुमाया इसने और कुछ नहीं। सर ऑफिस क्लोज होता है और आपकी क्लास स्टार्ट होती है, ओके चलिए दैट मींस डेडिकेशन बढ़िया, अच्छी बात है, एंजॉय करें क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आरआरबी की गांठ अगर बांध ली आपने और वैकेंसी आने के बाद तैयारी नहीं होगी। मैं नहीं कहूंगा कि कल आएगी, परसों आएगी, इस दिन आएगी, उस दिन आएगी, नहीं, कुछ नहीं पता है भाई। जितना आपको पता है उतना ही हमें पता है, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आने के बाद तैयारी नहीं होती। बस इस एक लाइन पे फोकस करिए और इसी बात पे आप हमेशा खुद को क्या करिए? मोटिवेट करिए कि जब आएगी तो मेरी तैयारी 100% है, बस यही मैं कहूंगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आरआरबी के हर साल पूछा गया है, ये ईएमएफ और इससे बड़ा प्यार इनको टर्न रेशियो से। बोलिए द ईएमएफ पर टर्न ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दिस 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर आपको दे रखा है, देन द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स आर कितने होंगे? नॉन टेक्निकल अच्छे से करिए ना, आज से ही तैयार करना शुरू करिए, तभी होगा इसमें। चलिए क्या कहेंगे? ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न यानी ई बाई एन की बात कर रहे हैं। ई बाई एन कितना दे रखा है इसने? ईएमएफ पर टर्न ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज 10, आपको दे रखा है कि ये 10 है, आपने सिंपली कह दिया दिस इज ईएमएफ पर टर्न इज 10, ओके। अब ये कहता है कि बताइए आप पर टर्न अगर 10 वोल्ट है तो प्राइमरी टर्न्स कितने होंगे? तो मैं कहूंगा ई बाई एन लिखा है, इसका मतलब ये ई वन बाई एन वन भी है, ये ई टू बाई एन टू भी है, और ये किसके बराबर है? 10 के बराबर। तो आप कह सकते हैं E1 by N1, N1 अगर निकालना है तो इनको शामिल कर लो। अब E1 पढ़िए यहाँ पे कितना है? 2200। तो आप कहेंगे this is 2200 divided by N1 equal to 10, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? N1 आ गया आपके पास, N1 कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दीजिए सिंपली 220, तो आप कहेंगे 220 टर्न्स अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए बी कैसे दे रहे बेटा? बी नहीं, सी आंसर होगा इसका। विनय बी तो इसने दे रखा है ना, 10 वोल्ट पर टर्न तो इसने बता रखा है, हमें केवल कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, दीजिए जवाब। ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड मींस, शून्य भार पर ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है? जब ट्रांसफॉर्मर नो लोड पे होता है उसका क्या सेंस है, क्या कहना चाहते हैं अपन? लोड के बिहाफ पे पूछना चाह रहे हैं, लोड का। ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड मींस, नो लोड पर ट्रांसफॉर्मर का अर्थ क्या है? आप यहां से ये कोशिश कर सकते हो कि आसान क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे गलत करते हैं, ढंग से नहीं पढ़ के या बहुत लाइटली लेके या बहुत ज्यादा उस पर दिमाग लगा के, तो उस चीज का, उस डर को अपन इस क्लास में दूर कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या होगा बताइए? देर इज नो वेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वेट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, जब लोड की बात करता है तो वेट से क्या लेना देना है? नो लॉसेज नहीं, नो लॉसेज कब होंगे बताओ? सेकेंड कंडीशन कब होगी? जब आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो। There is no load on the primary. Primary पर अपन हमेशा क्या कनेक्ट करते हैं? हम यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करते हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है।
नो लोड ऑन द सेकेंडरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, और इस नो लोड सर्किट में या नो लोड कंडीशन पर ये वो करंट ड्रॉ करता है जो इसका मैग्नेटिक सर्किट प्रिपेयर करता है। ठीक है, अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो वो मैग्नेटिक सर्किट पे करंट जो होगा, अगर आइडियल होगा तो जो भी ये नो लोड पे करंट ड्रॉ करेगा वो केवल मैग्नेटाइजिंग के बराबर होगा, अदरवाइज वो एक लॉस कंपोनेंट भी ड्रॉ करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी था। बोलेगा इन इलेक्ट्रिकल मशीन कॉपर लॉसेस अकर, कॉपर लॉसेस कब होते हैं, कहां होते हैं पूछना चाह रहा है आपके पास। इन रोटर एंड स्टेटर वाइंडिंग, इन कम्यूटेटर, ड्यू टू हाई स्पीड, ड्यू टू फ्लक्स डिस्टॉर्शन। आइडियल में भी करेक्ट, हाँ आइडियल में वो मैंने रिलेटिव आंसर दिया और कुछ नहीं। चलिए कहां होते हैं, बेसिकली किसी भी मशीन में कहां होते हैं, जहां वाइंडिंग होती है या आपका कंडक्टर्स होते हैं। कॉपर लॉसेस की अगर बात करें तो कॉपर लॉसेस कहां होंगे, आप कहेंगे जहां पर आपके पास कंडक्टर पार्ट होगा, और कंडक्टर पार्ट अपन कह सकते हैं दोनों जगह होता है, ये आपके स्टेटर में भी हो सकता है और ये आपके रोटर में भी हो सकता है, स्टेटर रोटर दोनों ही कंडक्टर में हो सकता है। तो सिंपली अपना आंसर क्या दिख रहा है, ए। इन कम्यूटेटर, कम्यूटेटर आपका एक रोटेशनल कंपोनेंट है, वो बात अलग है, वो हीटअप होता है तो वो भी उसका एक सेक्शन है। ड्यू टू हाई स्पीड, ये वेरिएशन नहीं पूछ रहा है कहाँ होगा, मैकेनिकल लॉस का सोर्स है। और फील्ड या फ्लक्स डिस्टोर्शन, ये एक तरह से आर्मेचर रिएक्शन के कंपोनेंट को समझाने की कोशिश कर रहा है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया तो कुछ नहीं इसमें। आर्मेचर इज द डैश 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 कंपोनेंट ऑफ डीसी मशीन, विच टाइप ऑफ कंपोनेंट, रेसिप्रोकेटिंग, स्टैटिक, रोटेटिंग और वाइब्रेटिंग। वाइब्रेशनल केवल तब बताना जब आउटपुट रिजल्टेंट जीरो हो, वाइब्रेटिंग क्या पता हो सकता है मशीन अगर रोटेट करेगा तो स्लाइट वाइब्रेशन भी डेवलप करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां वो स्टेटमेंट पूछना चाह रहा है आर्मेचर किसी डीसी मशीन का कैसा कंपोनेंट है, आप कहेंगे सिंपली रोटेटिंग कंपोनेंट है, रोटेटिंग कंपोनेंट है तभी तो इसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलता है। सो सी इज द क्या, कम्यूटेटर यूज क्यों करा है, कम्यूटेटर ऑप्शन में यूज कर सकता है ना। कम्यूटेटर इज यूजफुल टू कन्वर्ट द एसी डीसी कन्वर्जन, मैकेनिकल रेक्टिफायर और इन्वर्टर की तरह वर्क करने के लिए कम्यूटेटर लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 70th क्वेश्चन बताइएगा आंसर। द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन लेंज लॉ, एम्पियर्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हाँ जी अब बताइए आंसर, इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा बताइए। द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन लेंज लॉ, एम्पियर्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सी चलो देखो, अब सबसे पहली बात है कि इंडक्शन मोटर जैसे बोला इसने, जैसे इसने इंडक्शन मोटर बोला अपन जानते हैं देयर आर टू बेसिक कंपोनेंट, एक अपने पास रोटर, ये अपन कहते हैं स्टेटर। तो बाहर जो अपने पास स्टेटर और ये जो अपने पास रोटर है, तो आप कहते हैं स्टेटर को हमेशा क्या देते हैं अपन सप्लाई, स्टेटर को हमने दिया 3-phase AC इनपुट जिसने एक RMF यानी φS डेवलप किया, इसके बिहाफ पे इस रोटेटिंग फील्ड, इस φS ने क्या बनाया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कहीं पर भी फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, तो आप कहेंगे इसके साथ ये म्यूचुअल लिंक करता है, सेल्फ यानी एक ही सर्किट का पार्ट नहीं है, इसके साथ यहाँ पर ये जो बीच का जो एयर गैप है इसमें म्यूचुअल लिंकेज होता है, और इस गैप में दोनों म्यूचुअली लिंक करके इस रोटर को रोटेट करते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की तरह, ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन अपन एक तरह से रिलेट करते हैं। तो आप कह सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आप बताइए लेंज लॉ कहीं पे आता है क्या, मुझे इसका आंसर देना अच्छे से। लेंज लॉ क्या कोई चीज डिसाइड करता है इंडक्शन मोटर में, बताइए जवाब कमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लेंज लॉ क्या डिसाइड करता है किसी इंडक्शन मोटर में कोई भी चीज, बोलिएगा। यही मैं पूछ रहा हूं, क्या लेंज लॉ कोई डिसाइडिंग फैक्टर है इंडक्शन मोटर में, कोई रोल है इसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं चंदन, ऊपर आंसर आपने सही दिया, डायरेक्शन हयात कि लेंज लॉ, लेंज के अकॉर्डिंग ये डिसीजन आता है कि रोटर पर किधर रोटेशन डेवलप होगा। रोटर विल रोटेट इन दैट डायरेक्शन ड्यू टू लेंज लॉ वेयर इट विल अपोज द कॉज ऑफ एक्शन। इसका मतलब रोटर किधर रोटेट करे, रोटर उधर रोटेट करेगा जिससे वो उस म्यूचुअल लिंकेज को जीरो कर सके, यानी ये रोटर पर जो लगने वाला टॉर्क है वो उस फ्लक्स कटिंग की वजह से आया जब स्टेशनरी रोटर कंडक्टर ने रोटेटिंग फील्ड को कट किया, और कट करने पर उसमें एक ईएमएफ बना, ईएमएफ से करंट फ्लो हुआ, तो ये तो यही चाहेगा ना कि वो करंट जीरो हो जाए। वो करंट कब जीरो होगा, जब ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करे कंडक्टर्स में, और रोटर कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस कब नहीं होगा, जब रोटर की स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम स्पीड पे हो।
तब उनके बीच का फ्लक्स कटिंग नहीं होगा। तो अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड हो जाए तो अपन कहते हैं ना कि कभी नहीं हो सकती, इट विल अप्रोच ऑलवेज टू द सिंक्रोनस स्पीड बट नेवर रीच टू द सिंक्रोनस स्पीड ही होता है। इसीलिए अपन कहते हैं इंडक्शन मोटर बहुत लो स्लिप पे चलता है 2-6%, क्योंकि रोटर वहीं तक उसको पहुंचा देता है। इस बिहाफ पर अगर जवाब दें तो लेंज लो ये डिसाइड करता है कि वो किधर रोटेट करे, तो वो उस तरफ रोटेट करता है जिससे उस एक्शन को जीरो करे। तो रोटर अगर स्पीड अप होके सिंक्रोनस के पास जा रहा है, क्यों जा रहा है, ताकि उनकी रिलेटिव स्पीड को रिड्यूस करे, बस यही इसका कॉज ऑफ ऑपोजिशन है। सो लेंज लो डिसाइड करता है रोटर विल रोटेट इन विच डायरेक्शन। ठीक है, कभी आ जाए तो याद रखिएगा। चलिए ऑपोजिट ये डायरेक्शन डिफाइन करता है, बस ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, बताइएगा आंसर क्या होगा। द स्टेटर इज यूज्ड टू, सॉरी स्टेटर नहीं है स्टार्टर है, द स्टार्टर इज यूज्ड टू, स्टार्टर किस लिए यूज किया जाता है, प्रोड्यूस बैक ईएमएफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, लिमिट द स्टार्टिंग करंट और लिमिट द स्पीड। अगर रोटर और मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाए तो, सेम हो जाएंगे तो फ्लक्स कटिंग जीरो हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन नहीं रहेगा, रोटर सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, ये कह सकते हैं अपन। हाँ जी क्या जवाब देंगे, बिल्कुल इसमें तो आंसर चमकता हुआ दिखना चाहिए, टू लिमिट द करंट। पहला रोल ही क्या है स्टार्टिंग में, ये आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे मैं डीसी मशीन का लूं, तो एक डीसी मशीन में आर्मेचर करंट क्या होता है, V-EB/RA, यही था ना। एट द पॉइंट ऑफ स्टार्टर मतलब एट द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, जब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो एट स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग कंडीशन आप जानते हैं स्पीड जीरो, तो आपका EB भी क्या हो गया जीरो, EB जीरो, तो ये करंट IST क्या निकल के आया, V/RA। अब आप जानते हैं अप्लाइड वोल्टेज एक हाई वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट प्रोपोर्शनल हाई, और रेजिस्टेंस तो 1 ओम से भी कम या लिट होता है 1 ओम तक, इतना लो रेजिस्टेंस है तो करंट इसकी वजह से भी हाई। सो मोटर विल ड्रॉ ए हाई स्टार्टिंग करंट, और ये IST कितना होता है पढ़ा है सबने, 5 to 7 times ऑफ IFL, फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना। तो इतना हाई करंट अगर वाइंडिंग में से फ्लो कर गया तो वो बर्न कर जाएगा, तो उसका सबसे पहला रोल है टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। तो दिख रहा है आपको ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिमिट द स्टार्टिंग करंट, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगर ये नहीं होता तो फिर बाकी के बारे में सोचते कि क्या बैक ईएमएफ का कंपनसेशन प्रोवाइड करता है इस तरह से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 72, जवाब दीजिए 72। द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डबल्ड, देन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल विल बी, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैग्नेट से रिलेट करते हुए, प्रारंभिक धारा को सीमित करने के लिए, मिस्टर रजनीश राज बिल्कुल सही है। चलिए आंसर दीजिएगा, द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डबल्ड देन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल विल बी। ओके हाँ भाई क्या जवाब देंगे, डबल होगा, पक्का है डबल होगा कि हाफ होगा, बताइए फटाफट से लाइक करो, तो भाई कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, फटाफट लाइक करिए इसको, जो जो लाइव है वो फटाफट क्लिक करो। चलिए आंसर देते हैं अपन इसका क्या होगा, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, बताओ जरा किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर मैं किसी कॉइल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल बना के एक सोलेनोइड की तरह बात करूं, तो क्या कह सकता हूं, बी बराबर, अब एक सोलेनोइड, एक सोलेनोइड को अगर मैं कह दूं एक कोर के ऊपर आपने माउंट किया हुआ है, उसे अगर मान लें तो क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, या बी होता है अपने पास म्यू नॉट एन I upon L, इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस करंट को, अगर मैं कहूँ इस करंट को मैं क्या कर दूँ, डबल कर दूँ, अगर इस करंट को मैं, अगर मैं डबल कर दूँ तो आप कहेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर अपने को दिख रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग द पर यूनिट स्लिप, द पर यूनिट स्लिप ऑफ थ्री फेज इंडक्शन इज, सबसे पहले तो पर यूनिट की बात बताइए, बोलेगा आंसर क्या होगा इसका। एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग द पर यूनिट स्लिप ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज, आपकी पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले इस पर यूनिट को छोड़ो, स्लिप क्या होता है, आप कहेंगे स्लिप कितना होता है, स्लिप होता है सिंक्रोनस स्पीड ns माइनस n, ये आपका है रोटर स्पीड, ये है स्टेटर फ्लक्स का स्पीड, ये तो है स्लिप। अब अगर पर यूनिट बोले, अगर मैं कहूं मुझे s pu निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, रेफरेंस से डिवाइड करते हैं, सो दिस इज ns माइनस n अपॉन ns, ये लीजिए।
ये पर यूनिट स्लिप हो गया अपना वैल्यू, परसेंटेज वगैरह नहीं लिखा है मैंने, परसेंटेज पर यूनिट में फर्क पता है ना। अगर मैं पर यूनिट वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं पर यूनिट वैल्यू निकाल लूं, उसे 100 से मल्टीप्लाई करते ही वो किस में बदल जाता है, आप कहेंगे वो परसेंटेज सिस्टम में चेंज हो जाता है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे क्या बोला इसने, एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग, जैसे ही स्टार्टिंग बोला इसका मतलब एन जीरो, और जैसे एन जीरो तो दिस इज एन एस अपॉन एन एस, तो वैल्यू कितना आ गया 1। तो आप कह सकते हैं अपना आंसर क्या होगा, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना 0.11 में, सी आंसर है 0.1 का मतलब 10% स्लिप हो गया, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये था 73, नाउ 74, बताइए फटाफट से, ये शब्द हमेशा अपन यूज करते हैं, यूजली द नंबर ऑफ पोल्स इन ए टर्बो ऑल्टरनेटर, हाँ जी क्या होता है ये टर्बो ऑल्टरनेटर, इस वर्ड को ध्यान कर, क्या होता है टर्बो ऑल्टरनेटर, टर्बो ऑल्टरनेटर कौन से ऑल्टरनेटर होते हैं जिनकी बात कर रही है, बोलो किन ऑल्टरनेटर्स की बात कर रहा है ये बताइएगा, चलिए अब बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, टर्बो, टर्बो ऑल्टरनेटर की अगर अपन बात करें तो बेसिकली टर्बो ऑल्टरनेटर होते हैं आपके हाई स्पीड, आप कहते हैं हाई स्पीड ऑल्टरनेटर, और ये हाई स्पीड ऑल्टरनेटर जो है वो यूज होते हैं कहाँ पे, इन्हें इस्तेमाल करते हैं टीपीपी और एनपीपी में, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूज्ड ऑल्टरनेटर होता है उस यूज्ड ऑल्टरनेटर का जो टाइप है उसे कौन सा लेते हैं अपन, इसमें जो रोटर स्ट्रक्चर वो कौन सा होता है, आप कहेंगे सिलेंड्रिकल, हम यहाँ पे रोटर स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल बोल दूं या फिर इसी को दूसरा क्या बोल सकते हैं, नॉन सेलिएंट, नॉन सेलिएंट, और इन नॉन सेलिएंट या सिलेंड्रिकल ऑल्टरनेटर की खास बात ही क्या है, इनमें जो पोल्स होते हैं वो होते हैं हमेशा कम, यानी 2 to 4, आप कहेंगे यहाँ पे पोल्स कैसे होते हैं कम, 2 से 4, कितने 2 to 4, 2 से 4 पोल, इतने कम पोल यूज होते हैं, तो यहाँ पर अगर वो कह रहे हैं एकदम हाई स्पीड और दोनों ही ऑप्शन आ गए तो रेंज में लोअर रेंज पे जाएंगे अपन, तो अपना आंसर क्या होगा 2, 4 इसलिए नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, बी नहीं बेटा, हाई स्पीड पे अगर मैं जाऊं तो ये होगा। अब एक क्वेश्चन ये भी सुन लीजिए, अगर कोई पूछे, अगर कोई पूछ ले कि भाई अगर आपसे बोला जाए कि किसी भारत में चलने वाले किसी ऑल्टरनेटर की मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या है, तो क्या जवाब दोगे, इन इंडिया द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज, तो वो किसकी बात करना चाह रहा है, हाई स्पीड टर्बो ऑल्टरनेटर की बात करना चाह रहे हैं फॉर इंडिया, अगर इंडिया की बात कर रहा है तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर मैं स्पीड की बात करूं तो क्या लगाऊंगा, 120 f/p, ये क्वेश्चन भी आरआरबी में आया हुआ है, शायद आगे सीरीज में आ जाए कहीं, 120, भारत बोलते ही अपन ने यहाँ पे 50 लिख दिया और पोल मिनिमम होने चाहिए तो आपने 2 लिख दिया, यहाँ से आंसर कितना आएगा 3000 rpm, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ एन ऑल्टरनेटर रनिंग इन इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक आगे बढ़े, 3000 rpm इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए 75 क्या जवाब होगा, टॉर्क डेवलप्ड बाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर वेरीज विद सप्लाई वोल्टेज, इंडक्शन मोटर की टॉर्क इक्वेशन अगर याद है तो अपन आंसर दे सकते हैं, अगर आपको इंडक्शन, हाँ समीर खान जो बोल रहे बिल्कुल ठीक बात है, जब अपन 60 Hz पे जाएंगे तो फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपना आंसर चेंज हो जाएगा। चलिए टॉर्क डेवलप्ड बाई इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर का टॉर्क इक्वेशन याद है क्या, क्या होता था, T=KSE2²R2/R2² + SX2², ये अपना बेसिक फॉर्मूला है, K यहाँ पे कॉफिशियंट यानी K कांस्टेंट क्या होता है, दिस इज सिंपली 3/ωs यानी 2πNS, ये अपना कांस्टेंट है K की वैल्यू। अब इन सब में अगर अपन देखें तो बाकी सब भूल जाओ तो आपको ये साफ दिख रहा है, एक यहाँ पे E2² दिखेगा, E2 है रोटर सर्किट का EMF, E2 यानी रोटर EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, V के, तो आप कह सकते हैं दिस इज T प्रोपोर्शनल टू E2², सो वी कैन से V² अप्लाइड वोल्टेज के स्क्वायर के क्या होगा प्रोपोर्शन होगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, डन है, ये अपना टॉर्क इक्वेशन है, इसी से ही अपन स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, रनिंग टॉर्क सब की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न, ये टॉर्क इक्वेशन था इस मशीन का, हाँ जी, फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ, फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ, किसकी बनी होती है, याद करिए फील्ड कॉइल की बात कर रहा है,
डीसी मशीन में आर्मेचर कंडक्टर्स को अपन अलग से डिफाइन करते हैं और लैप और वेव में आप कंडक्टर यूज करेंगे। फील्ड किसका बनाते हैं याद करो, फील्ड होते हैं बेसिकली बेटा कॉपर के कंडक्टर के। आप कहते हैं फील्ड किसके बने होते हैं, कॉपर कंडक्टर्स के बनी कॉइल होती है। फील्ड यहाँ पे दोनों तरह के हो सकती है, सीरीज भी अपन यूज करें या फिर हम शंट यूज करें, दोनों ही किसकी बनी होगी, आप कहेंगे सिंपली कॉपर कंडक्टर से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बताइए, पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड। पावर ट्रांसफार्मर को मैक्सिमम एफिशिएंसी पर डिजाइन किया जाता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया जाता है किस किस परसेंटेज ऑफ लोड पर, किस पर्टिकुलर लोड पे। सर आप ही प्लीज लास्ट में क्विज ले लेना प्लीज। हाँ लास्ट में क्विज करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, जब सब खत्म हो जाएगा तो एक क्विज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का बनाएंगे। चलिए बताइए, पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी ये पूछ रहा आपसे, नो लोड, फुल लोड, 25% ऑफ फुल लोड और 50% ऑफ फुल लोड, चार बातें इसने बोली है। बोली क्या आंसर होगा, याद करिए जब पावर और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की बात करते हैं तो अपन कहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी का वर्कआउट कंडीशन एक पावर ट्रांसफार्मर पर तब डिफाइन किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर को डिजाइन ही किस पे किया जाता है, इसको फुल लोड कंडीशन पर चलाया जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इसका लोड कम होता है तो इसको अपन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फैसिलिटी है क्योंकि इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है, इसीलिए अपन कहते हैं इसको डिजाइन ही, इस पावर ट्रांसफार्मर को, पावर ट्रांसफार्मर जो है इसको डिजाइन करते समय ही अपन ने डिफाइन कर रखा है एट फुल लोड, एट फुल लोड। और इसके लिए जब अपन एफिशिएंसी निकालते हैं वो भी कौन सी होती है, फुल लोड एफिशिएंसी। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अगर रिलेटिवली बोलूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो आप कहते हैं 50% ऑफ आपका FL, हम उसके लिए ये डिफाइन करते हैं 50%, क्योंकि उसके लिए एफिशिएंसी कौन सी है, नीटा। आप क्या कैलकुलेट करते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी। तो ऑन एवरेज ओपन उसके लिए 50% ऑफ फुल लोड कहते हैं, और यहां पर हम कहेंगे अगर पावर है तो जवाब क्या होगा आपका, फुल, वरना होता डी ऑप्शन, ये ध्यान रखिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो दोनों बता दिए मैंने जिसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो आयरन लॉसेस मींस व्हाट आर जीरो, ये पूछ रहा है। किसी भी मशीन में आयरन लॉसेस नहीं होने का मतलब क्या जीरो होना होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल। आज के सारे प्रश्न मैंने कहा ना यू टिक टिक टिक, ये समझिए आप, तो सारे क्वेश्चन केवल टिक लगाने के, तो ऑलमोस्ट अपन ज्यादा क्वेश्चन करके जाएंगे आज। हाँ कल से काफी ज्यादा क्वेश्चन करके जाएंगे, टारगेट लेके आए हूँ, पूरा करवाइए फटाफट से। नो आयरन लॉसेज मीन्स वॉट लॉसेज आर जीरो, ये एग्जैक्टली RRB JEE की क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से यहाँ कुछ नहीं लिखा बेटा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ये आए हुए क्वेश्चन। आपको डाउट होता है इतना सरल क्यों करा रहे, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज RRB का, इसलिए सरल पे कमांड ज्यादा जरूरी है, गलतियां वहां अधिकतम होती है, ध्यान रखिएगा। क्या आंसर होगा, सी ओनली हिस्टेरेसिस, ओनली कॉपर, हिस्टेरेसिस एडी करंट और एडी करंट एंड कॉपर। आप जानते हैं आयरन लॉसेज WH, आयरन लॉसेज आपके दो कंपोनेंट में आते हैं WH प्लस WE, एडी करंट और हिस्टेरेसिस, तो आप कह सकते हैं अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है इसका मतलब ये दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेज बोथ, दोनों। चलिए बिल्कुल सही आंसर, लगभग आज सभी के सारे जवाब सही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए बताइए फटाफट से, ऐसा क्वेश्चन अभी पहले किया था अपन, रिपीट हुआ है बताइए, या दूसरी शिफ्ट में, मल्टीपल शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन इसलिए रिपीट हुआ है। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ऑफ ए ट्रांसफर इज 1200, इफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 1/15, द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज। जिन लोगों को ये डाउट होता है ना, बहुत बड़ा डाउट है और गलतियां काफी करते हो आप लोग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न रेशियो, तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी प्रश्न में लिख दे तो ध्यान रखिएगा, अगर उसने लिख दिया है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो हमेशा अपन कहेंगे वो के लिखना चाह रहा है, दैट इज N2/N1, और ये हमेशा 1/n, और ये कौन है, ये कौन है टर्न रेशियो, ये कौन है टर्न रेशियो, ध्यान रखिएगा। अगर चला के वही वर्ड यूज करता है तो इसका एग्जिस्टेंस वतना नहीं होगा। किसके बराबर N2/N1, तो आप कह सकते हैं सिंपली N2/N1 कितना दे रखा है बेटा अपने को, 1/15, और आप जानते हैं N2/N1 अगर 1/15 है तो आपसे पूछा है प्राइमरी अगर 1200 है, ये बता रखें 1200, तो सिंपली बात है N2 कितना हो जाएगा, दिस इज 1200/15, आंसर कितना आ गया 80, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए बिल्कुल वो होता है, बिल्कुल होता है एग्जाम का प्रेशर या पीयर प्रेशर, जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही डर ज्यादा लगेगा, ये ध्यान रखिए कि कुछ गलत नहीं हो जाए, उसको आप इन्हीं टेस्ट सीरीज से, MCQ सीरीज से इंप्रूव कर सकते हो उस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस मींस, क्या कहना चाहिए, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस मींस क्या मतलब है इस चीज का। सेम क्वेश्चन रिपीट किया, देखो आयरन लॉस वाले को रिलेट करते हुए, इट मींस प्राइमरी वाइंडिंग हैव कांस्टेंट रेजिस्टेंस,
सेकेंडरी वाइंडिंग हेड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, नो ओमिक पावर लॉसेस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, इनफाइनाइट रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, समझिए इस चीज को अच्छे से, क्या क्या मतलब निकल के आ रही है, इनफाइनाइट प्राइमरी हैविंग हैज कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कह रहा है कि भाई आर जो है प्राइमरी सर्किट का आर वन की कोई वैल्यू हो, मान लीजिए 100 ओम फिक्स वैल्यू, सेकेंडरी वाइंडिंग हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस बोल रहा है इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब कैसा है, सेकेंडरी अपना ओपन सर्किट ऐसा मान लेते हैं, चलिए सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट है तो नो लोड कंडीशन हुआ ना, इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन से तो आपको क्या मिला, नो लोड कंडीशन के बारे में मिला। थर्ड कह रहे हैं नो ओमिक पावर लॉसेस, ओमिक लॉस जो है, ओमिक लॉस कौन से लॉस है, कॉपर लॉस, और कॉपर लॉसेस को अगर जीरो बोल रहा है तो कॉपर लॉसेस होते ही किसकी वजह से, वाइंडिंग, इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप कहेंगे रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है, जीरो, तभी हो सकता है ऐसा, कोई वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं होने पर ही कॉपर लॉसेस जीरो होंगे, और इनफाइनाइट रेजिस्टिव ड्रॉप, जब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो ड्रॉप इनफाइनाइट कहां से हो गए, इनफाइनाइट ड्रॉप अगर है यानी आई इंटू आर अगर इनफिनिटी है तो आर कहां से जीरो हो सकता है, सो कौन सा ऑप्शन केवल सेटिस्फाई कर रहा है बताओ, दैट इज सी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नो ओमिक लॉसेस, बिल्कुल सही, पोटेंशियल ड्रॉप अगर जीरो बोलता तो फिर भी अपन सोचते, यहां पे जीरो बोल देता तो फिर भी सोचते कि हाँ भाई कहीं रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, लेकिन इनफाइनाइट बोलते बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे बताइए 81 क्या जवाब होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज ऑल्सो नोन एज, ये जरूर एक नया क्वेश्चन अपन कह सकते हैं, कम पेपर में पूछा गया इसको, क्या आंसर होगा बताइए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज ऑल्सो नोन एज, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है पहले तो ये बताओ, सोचो जरा इसको, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात कर रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम कहते हैं किसी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड यानी सिंपली अपन कहते हैं जो लोड साइड है, सेकेंडरी तो नहीं बोलूंगा मैं, लोड साइड, जो सेकेंडरी साइड या लोड साइड है उधर अपन क्या बोलते हैं, उस तरफ क्या किया जाए, शॉर्ट सर्किट करंट, रेटेड करंट फ्लो करे, यही बोलेंगे, शॉर्ट लोड साइड जो है इसमें अपन कहते हैं शॉर्ट सर्किट क्रिएट करना एक फिजिकल वायर के थ्रू, अगर मैं फिजिकल वायर के थ्रू शॉर्ट सर्किट क्रिएट करता हूं, अगर मैं फिजिकल वायर के थ्रू शॉर्ट सर्किट क्रिएट करता हूं, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर में अपन ये कब करते हैं बताओ, HV-LV के बिहाफ पे बोलूं तो मैं कहूंगा LV साइड जो है, लो वोल्टेज साइड जो है वहां पे शॉर्ट कर दिया, सो जो भी इधर HV साइड है उस HV साइड में हाई वोल्टेज साइड में जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा करंट होना चाहिए, आई शॉर्ट सर्किट या रेटेड करंट होना चाहिए, ऐसा अपन बोलते हैं, तो ये रेटेड करंट शो करने के लिए वोल्टेज, ये रेटेड करंट एक तरह से अपन कह सकते हैं मैक्सिमम अवेलेबल वोल्टेज, मैक्सिमम रेटेड करंट, इसका रेशियो जो निकल के आएगा वो किस चीज को कैलकुलेट करेगा, बोलिए किस चीज को कैलकुलेट करेगा, कुछ ना कुछ ओमिक वैल्यू देगा, और ओमिक वैल्यू देगा इसीलिए अपन कह सकते हैं, अगर मैं यहां से देखूं करंट टेस्ट, कैपेसिटर टेस्ट, इंडक्टेंस टेस्ट, आपको दिख रहा है साथ साथ इंपेडेंस किस बिहाफ पे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या फाइंड आउट करता है, आप कहेंगे फुल लोड कॉपर लॉसेस, जो कि एक ओमिक इंपेडेंस यानी रेजिस्टिव वैल्यू की वजह से होते हैं, इस वजह से इसका जवाब क्या है, बी, कंपैरेटिव आंसर है कि इसे क्या बोलते हैं, इंपेडेंस टेस्ट भी कहते हैं, कि कितना मैक्सिमम इंपेडेंस शॉर्ट सर्किट करंट के बिहाफ पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर है, बी इसका करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन 82 जवाब दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हैव द रेटिंग ऑफ, आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके आए हुए हैं जिसके रेटा एक बार और चेंज होकर पूछे गए हैं, दो बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, बताइए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स की रेटिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग क्या होती है बताओ बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफॉर्मर को पावर रेटिंग के बिहाफ पे भी क्लासिफाई करते हैं अपन, क्या रेटिंग में जाते हैं बताइए दोनों, क्या रेटिंग होती है याद करो, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जब अपन इस क्लास में इसको पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप कहते हैं ये होता है अप टू 750 KVA, हमेशा लिखवाता हूं मैं, और इधर लिखता हूं मैं क्या, ग्रेटर देन 1 MV, 1 MV से ज्यादा, तो मैंने कहा अप टू 750 यानी आप कह सकते हैं इसे अपन ये भी तो बोल सकते हैं क्या, लेस देन 1 MVA, और यहाँ पे क्या बोलेंगे सिंपली मोर देन 1 MV, तो 1 MV ही नहीं इसे और क्या कहूंगा, 1000 KVA, तो 1000 KVA तक के ट्रांसफॉर्मर आ रही है, तो इस चारों ऑप्शन में एग्जैक्ट फिगर तो होता है 750, लेकिन आप बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है 50, 100, 150, तो आप कहेंगे मिनिमम जो आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शन कौन सा है अपने पास 200 KVA का, तो उसको टिक लगा दीजिए, बस एग्जैक्ट आंसर तो आपके पास ये होना चाहिए क्या, 1 MVA से कम या 750 KVA तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जनरेटर व्हेन द नंबर ऑफ पोल्स आर 8 एंड स्पीड इज 750 RPM विल बी,
मुख जबानी जवाब करना है सर, बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल सही बेटा, सही आंसर है 5 KVA। प्रवीण कुमार 5 तो नहीं बताना बेटा, 5 तो नहीं बताना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जनरेटर व्हेन द नंबर ऑफ पोल्स आर 8 एंड स्पीड इज 750 RPM क्या होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगी वर्किंग, ये पूछ रहा आपसे, जब एक जनरेटर में 8 पोल और फ्रीक्वेंसी है। अभी अभी अपने फॉर्मूला लिखा था, याद करो क्या पूछा है इसने, एफ पूछा है ना, तो एन क्या होता है, एन होता है 120 एफ अपॉन पी, तो यहां से एफ निकाल लो, एफ कितना हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, पीएन अपॉन 120। सॉल्व करो जरा, पोल कितने दे रखे हैं आपको 8, स्पीड कितना बता रखा है, स्पीड इज 750 और नीचे है अपने पास दिस इज 120, 8 से डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा आपका, 4 से क्लासिफाई कर दो, ये 0 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करिए 2 और ये हो गया 3, 3 से यहां पे कैंसिल हो गया, 3 से 25 तो दिस इज सिंपली 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज इसका आंसर है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए 84, फटाफट जवाब दीजिए। द योक ऑफ स्मॉल डीसी मशीन इज मेड ऑफ, द योक ऑफ स्मॉल डीसी मशीन इज मेड ऑफ, क्या आंसर देंगे बताइए इसका, छोटी डीसी मशीन की योक किसकी बनी होती है, ये पूछ रहा आपसे। द योक ऑफ डीसी मशीन, स्मॉल डीसी मशीन इज मेड ऑफ, क्या आंसर होगा इसका बोलिए। ए कास्ट आयरन, हमेशा आपको लिखवाते हैं ना यहाँ पे योग किसका बना होता है, मैं बोलता हूं हमेशा कास्ट आयरन होगा या फिर आपको बोला गया कास्ट स्टील होगा, तो कास्ट आयरन अपन यूज करते हैं लो रेटिंग के लिए, लो रेटिंग के लिए, और ये कंपैरेटिवली आप कहते हैं हाई रेटिंग के लिए, तो यहां पर अपने पास दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, आप स्टील नहीं लेंगे, क्या लेंगे, कास्ट आयरन यूज करेंगे। आसान क्वेश्चन है, जवाब दे दीजिए। 85 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। द फील्ड ऑफ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर इज एक्साइटेड बाय, सब 30 क्वेश्चन हो गए, मैंने कहा ना आज आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, इसलिए अपन फटाफट कर लें, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होगा, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर इज एक्साइटेड बाय, जिसमें समय लगना होगा, कॉन्सेप्ट होगा, मैं जरूर बात करूंगा और सबके लिए अपन कर ही रहे हैं, आपको अपनी स्पीड अप करें, चीजों को कैसे अच्छे से करें। लास्ट क्वेश्चन आंसर बताइए। हाँ, बिग रेटिंग मशीन, बिग रेटिंग और स्मॉल रेटिंग में अपन मोस्टली कह सकते हैं 1 HP से एक्सटेंडेड, 1 HP से ज्यादा वाली जो होती है उनके लिए बोला जाता है। क्या जवाब हुआ, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड मशीन में अपन क्या बोलते हैं, ये अपने पास आर्मेचर है और ये अपने पास फील्ड है, अगर इस फील्ड को मैं एक रियोस्टेट लगा के, एक अलग से बैटरी लगा के जोड़ू और ये अपने पास मोटर या जनरेटर जो भी उसका आर्मेचर सर्किट अगर होता, अगर ये आर्मेचर सर्किट होता तो अपन कहते हैं ये मशीन कैसा है सेपरेटली, और अगर ये कनेक्टेड होते तो अपन कहते हैं ये आर्मेचर है और ये अपने पास फील्ड वाइंडिंग, या फिर ये आर्मेचर है और इसके साथ सीरीज में ये फील्ड वाइंडिंग, तो इन दोनों मशीनों में मशीन किससे एक्साइट होता है अपने, बाय इट्स ऑन करंट, अपने खुद के थ्रू, बैटरी से नहीं होता है, सेपरेटली में बैटरी से करते हैं एक्सटर्नली जिसमें सेल्फ नहीं हो, और सेल्फ की जब बात करता है तो एक वर्ड अपन ने हमेशा पढ़ा है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ये होना चाहिए, अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है तो ये क्या करेगा, डिलीवर करेगा, क्लियर, तो आप कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से, सो ये सेपरेट सेल्फ की प्रॉपर्टी है, तो सेल्फ के लिए क्या अवेलेबल होना चाहिए, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यानी बाय इट्स ऑन करंट, ये अपना सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कब से चल रही है पवन, प्रवीण कुमार 7 से 8 ओके, आज मैंने कहा था नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे क्योंकि सीधे वन लाइनर उनको उड़ाते जाओ, कल हम स्टार्ट करेंगे 86 से, आज का समय पूरा हो चुका है, आज का प्रश्न पूरा हो चुका, समय पूरा हो चुका है, तो लाइक और शेयर कर दो बेटा, हैं कभी कभी 100 से कम क्लास में नहीं, इसी बार इसी सीरीज में, RR भी इतना बड़ा पेपर है उसके लिए भी आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी होपफुली सबके लिए बेनिफिशियल सेशन, बाद में भी आप देख सकते हैं, कल इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, और कल 7 से 8 ही नहीं, 7 से 8 और फिर 8 से आगे नेटवर्क भी पढ़ना, मैं आज ही आपको अनाउंस कर देता हूं, तो रिचार्ज विचार्ज करा के बैठना, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।